हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 96 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं, राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है। सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये सवाल एक्स्ट्रा डाटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ डाटा एक्स्ट्रा है या कुछ चीज़ों को आप क्विट भी कर सकते हो अपने आंसर को लाने के लिए, ठीक है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है। वर्किंग इफिशियंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन डैट ऑफ बी, ठीक है। ए का जो वर्किंग इफिशियंसी है, यानी कि इफिशियंसी जो है वो क्या है, बी से 20% अधिक है। तो अगर बी का 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 काट दो यहाँ से, 6 यहाँ से, 5, ठीक है। यानी इफिशियंसी कितना निकल गया, 6/5। यानी हम बोल देते हैं ए का इफिशियंसी कितना ले लेते हैं, 6, बी का कितना ले लेते हैं, 5। फिर आगे क्या बोल रहा है, बी कैन कंप्लीट अ वर्क एक्स इन 36 डेज। बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 36 दिन में। एक कॉमन सा फॉर्मूला हम लोग टाइम एंड वर्क के लिए क्या याद रखते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू व्हाट, इफिशियंसी इनटू क्या, टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम मालूम है 36 डेज, इफिशियंसी मालूम है 5, तो टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 36 × 5, डैट इज 180, ठीक है, 180 आ गया हमारा। अब क्या बोला है हमारा सवाल में कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द वर्क एक्स, ठीक है। बी और सी किसी काम एक्स पे काम करना शुरू करते हैं एंड आफ्टर 10 डेज दे बोथ लेफ्ट, ठीक है। तो बी का इफिशियंसी तो मालूम है मुझे, 5, ठीक है। सी का नहीं मालूम है, सी मान लिया मैंने, सी दोनों कितने दिन तक साथ काम करते हैं, 10 दिन तक, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है एंड देन द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए अलोन इन 50 डेज, ठीक है। और बचा हुआ जो काम है वो ए अकेले 15 दिन तक करता है, यानी ए का एफिशिएंसी 6 और 15 दिन में कर देता है यहाँ से, और इस तरीके से कितना काम कर देता है, 180। तो यहाँ से हमारा सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, 15 × 6 करेंगे 90, 180 में 90 चला जाएगा, 90 बचेगा। और यहाँ से हमारा 5 × 10 हमारा क्या हो जाएगा, 50। यानी 10C इज इक्वल टू, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, 90 - 50, डेट इज नन अदर देन क्या, 40। ये 0-0 खत्म हो जाएगा, यानी सी का जो इफिशियंसी निकलेगा वो इफिशियंसी कितना निकल जाएगा हमारा, 4। अब आगे देखो सवाल में क्या बोला है। आगे बोल रहा है आफ्टर डैट ए बी सी वर्किंग टुगेदर, अब उसके बाद बोल रहा है कि कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड 33 होल 33%। 33 होल 33% का मतलब क्या हो गया, 1/3 वर्क, ठीक है। 1/3 वर्क ऑफ एक्स जो ए बी सी था, सबसे पहले 1/3 कर लिया, तो बचा हमारे पास कितना, 2/3। अब उसको कौन करेगा, ये देखो, एंड देन ए एंड सी आर रिप्लेस्ड बाय डी, और उसके बाद ए और सी को रिप्लेस कर जाता है। पहले था हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए और सी को रिप्लेस कर जाता है किसके साथ, डी के साथ, यानी कि अब काम कौन कर रहा है, बी और डी, ठीक है। बी और डी कितना काम करेगा, 2/3 काम करेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ द रिमेनिंग वर्क, यानी कि 2/3 काम ऑफ एक्स इज कंप्लीटेड बाय बी एंड डी टुगेदर, ठीक है, बी और डी टुगेदर इन 12 डेज, कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 12 दिनों में कौन करता है, बी और डी मिल के करता है, तो 12 दिनों में बी और डी का हमको क्या करना है, मिला के निकाल देना है, कितना काम करता है, 2/3 काम, ठीक है। तो देखो बी और डी, डी का एफिशिएंसी आपको नहीं मालूम है, डी मान लेना है कुछ, बी का कितना है हमारा, 5, डी मान लिया मैंने, डी, ठीक है। और कितने दिनों तक काम करता है, इफिशियंसी इंटू टाइम क्या हो जाता है हमारा, 12, ठीक है। और कितने दिनों तक काम करता है, कितना काम करता है, 180 का ही 2/3, ठीक है। यही देखो यहाँ पे मैं बोला था ना एक्स्ट्रा डाटा, आपको ये 1/3 का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये 1/3 का यहाँ यूज करके कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, 3 से कट जाएगा ये 60 बार में, 12 से कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। डी की जो वैल्यू आएगी देख सकते हो आप यहाँ से, 5 × 2 जा हमारा 10 हो जाएगा, और इधर से 5 घट जाएगा, नहीं डी की वैल्यू क्या आ गई, 5। यानी ये क्या निकला, डी का इफिशियंसी यहाँ से निकल गया, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में डी अकेले इस काम को कर सकता है। तो डी अकेले क्या निकालना है हमका, हमारे डी का समय निकालना है। तो डी का समय कैसे निकलेगा, टोटल वर्क यानी कि 180 बटा में डी का एफिशिएंसी यानी कि कितना, 5, 5 से जब इसे काटेंगे हमारा तो ये कितना देगा, 36। यानी इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 डेज और आंसर, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। जो डाटाज एक्स्ट्रा होते हैं उन डाटाज को हम लोग सीधा सीधे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और हमारा डाटा जो एक्स्ट्रा था इस सवाल में वो कौन सा था, ये वाला डाटा जो ए बी सी काम करता है 33.33% ऑफ एक्स, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।